सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल, और सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, हम बाहर तो अपना बगीचा सजाते ही हैं, क्यों ना आज हम अपने घर के लिए एक खूबसूरत सा डिश गार्डन बनाएं। ये देखिए, जब रंग बिरंगे पौधे और कलर कंट्रास्ट का हम ध्यान रखते हुए प्लांट्स लगाते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक पॉट, आप प्लास्टिक का ले, सिरामिक का ले, जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। इसका होल बंद करने के बाद में आप पॉटिंग सॉइल डाल लें, और प्लांट्स जो हैं, मैंने सारे इंडोर प्लांट्स लिए हैं जो लो लाइट और शेड लविंग प्लांट्स होते हैं। प्लांट सिलेक्शन करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनकी वाटर और सनलाइट की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए, ताकि जब आप उस गार्डन को, डिश गार्डन को अंदर रखें तो वो सस्टेन कर जाए। आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं, जहां आपके घर में, गार्डन में या एंट्री डोर पे, जहां पर धूप कम आती है या बिल्कुल शेड रहती है, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, और घर के अंदर किसी भी कोने में आप इसे रख सकते हैं। वैसे तो सारे प्लांट्स जो हैं ये लो लाइट लविंग प्लांट हैं, तो इनको आप वीक में एक बार ऐसी जगह रख दें जहाँ पर इनको 1 से 2 घंटे की हल्की हल्की रोशनी मिल जाए, या फिर 15 दिन में एक बार आप इसे मध्य धूप में रख दीजिए कुछ समय के लिए। सारे प्लांट्स को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। पानी का आप ध्यान ये रखिए कि जब एक बार जब आप प्लांट्स लगा लेते हैं उसके बाद आप वाटरिंग कर दीजिए अच्छे से, और दोबारा जब आपको पानी देना हो उस दौरान आप थोड़ा सा मिट्टी को छूकर चेक कर लीजिए कि नमी कितनी ख़त्म हुई है। महीने में एक बार यदि आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये प्लांट्स अच्छे रहेंगे आपके और हेल्दी रहेंगे। और सबसे एंड में इसको हाइट प्रोवाइड करने के लिए मैंने पिंक लेडी एग्लोनीमा प्लांट लगाया है। वीकली इस पर मिस्टिंग करते रहें तो आपके प्लांट एकदम फ्रेश रहेंगे, और ऊपर से जो है इनकी डस्ट भी साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लेडी एग्लोनीमा बचा हुआ है, उसको मैं एंड में लगाऊंगी पीछे, और बनने के बाद वो किस तरीके से दिखता है ये देखिए, कितना खूबसूरत दिखता है। आप घर के किसी भी कोने में इसे रख सकते हैं, और आप अपने घर के बाहर का बगीचा और अंदर का दोनों ही सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।